नागपुर महानगर पालिका के चार नराधम स्टार बस कंडक्टरों ने एक नाबालिग छात्रा के साथ कुकर्म किया। एक 16 साल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की, जिसका चार नराधमों ने 7 महीने तक यौन शोषण किया। अब आप यह जानकर दंग रह जाओगे, ये चारों नराधम नागपुर महानगर पालिका के स्टार बस के कंडक्टर हैं। इंसानियत पर काली पोतने वाली घटना से सभी तरफ खलबली मची है। पीड़िता 16 वर्षीय युवती, जो सीतामढ़ी के जूनियर कॉलेज में पढ़ती है, अक्सर वह स्टार बस से आना जाना करती थी। हमेशा स्टार बस में जाने के कारण बस के कंडक्टर धर्मपाल मेश्राम से जान पहचान हुई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी लिए। धर्मपाल ने अपना असली नाम छुपाकर पीड़िता को अतुल बताया। उसने शादी करने का वादा कर मोराडी मार्ग पर स्थित पूजा रेसिडेंसी में आशीष लोखंडे के फ्लैट पर ले गया। वहां उसने पीड़िता पर अत्याचार किया। कुछ ही दिनों बाद शैलेश बंजारी ने पीड़िता को फोन कर अतुल की पहचान बताकर सीतामढ़ी मिलने बुलाया और उसे पूजा रेसिडेंसी में आशीष लोखंडे के ही फ्लैट पर ले गया और धर्मपाल को वहां बुलाकर दोनों ने पीड़िता पर अत्याचार किया। फिर आशीष लोखंडे, शैलेश वंजारी और धर्मपाल ने उसी फ्लैट में अत्याचार किया। उसके बाद उमेश मिश्राम ने पीड़िता से संपर्क किया और शादी का वादा कर कन्हान ले जाकर अपने जीजा जी के यहाँ उसने पीड़िता पर अत्याचार किया। 7 महीनों से हो रहे अत्याचार से पीड़िता को गर्भवती होने की जानकारी लगी। बदनाम होने के डर से 28 फरवरी को वह घर से चली गई। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस द्वारा छानबीन करने से पता चला कि पीड़िता रायपुर में है। वहां पर जांच की तो पता चला कि डोंगरगढ़ में है। वहां पर भी एक युवक ने उसके साथ अत्याचार किया। पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने पुलिस को आपबीती सुनाई। इस घटना से स्टार बस के कर्मचारियों के खिलाफ जन आक्रोश की भावना निर्माण हुई है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए चारों कर्मचारियों का निलंबन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस फ्लैट पर अत्याचार हुआ वह एक पुलिस अधिकारी का है, जिसने उसे किराए पर दिया था। आरोपी को 8 मार्च तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है।